नमस्कार। बंका के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बंका के इस बिग स्टोन लेथ मशीन के बारे में, जो बंका का सबसे बड़ा मशीन है। देखिए, ये रनिंग कंडीशन में जो मशीन आप देख रहे हैं, ये बिग स्टोन मशीन है। इसके ऊपर आप एक मीटर का डायामीटर वाला कोई भी जॉब मूव कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, उसके ऊपर से मेटल रिमूव कर सकते हैं, कट लगा सकते हैं, थ्रेडिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इस मशीन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कैसे इस मशीन को स्लिंग करना है, उठाना है, आपके फ्लोर पे रखना है, इसके ऑपरेशंस, इसका कंट्रोल, जो भी लीवर्स, स्विचेस, इसका जो भी कंट्रोल है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इस मशीन के आरपीएम, स्पीड्स, इस मशीन का फीड जो थ्रेड के लिए यूज़ होता है, उसका गियर बॉक्स, टेल स्टॉक, जो भी चीज़ें हैं उसके फीचर्स में आपको बताऊंगा। तो आज इस वीडियो का यही मोटो है कि आप हमारे बिग स्टोन मशीन को पूरी तरह से जांचें, परखें। मैं आपको इस वीडियो में मशीन को रनिंग कंडीशन में कट लगा के भी दिखाने वाला हूं। ये मशीन प्लानो टाइप बेड में बनाया गया है, तो इसमें लेग नहीं होते हैं। इसका बेड इतना हाइट वाला होता है कि इसमें लेग की ज़रूरत नहीं है, और इस वजह से ये बहुत हैवी हो जाता है। और इस मशीन पे कभी भी वाइब्रेशन या ऐसा कोई इश्यू नहीं आता है। लॉन्ग लाइफ तक इसकी बेड हाई एक्यूरेसी टिका सके, इसलिए इसका जो जेड एक्सिस है, जो कैरेज है, उसको हमने टेफ्लॉन कोटिंग करके दिया है। तो आप 2-3 साल या 4 साल के बाद टेफ्लॉन कोटिंग चेंज करेंगे, अदरवाइज इसके बेड के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं आएगा। ये है आप जो चिप्स मशीन के अंदर गिरता है वो बाहर निकालने की जगह। देखिए, अभी रनिंग कंडीशन में मैं मशीन आपको दिखा रहा हूँ, ये 15 mm की कट ले रहा है। तो 15 mm की कट बहुत आराम से इस मशीन पे ले जा सकती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मशीन है। लेकिन मैं आपको इस मशीन के ऊपर 40 mm तक का कट मेटल रिमूव करके अभी दिखाऊंगा कि जब इस मशीन पे 20 mm का एक तरफ से कट, यानी 20 mm मल्टीप्लाई बाई 2, तो टोटल होता है मेटल रिमूवल बार के ऊपर से 40 mm। तो जब इस मशीन पे 40 mm का कट मेटल रिमूव करेगा, तो तब ये मशीन का परफॉर्मेंस कैसा है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, अभी ये मशीन पे 40 mm का कट लग रहा है। जो उसका टूल है वो पूरा का पूरा, जितना बड़ा टूल है वो पूरा इस मशीन का मेटल को रिमूव कर रहा है, काट रहा है। देखिए, ये कट लगाने के वीडियो जब हम आपको भेजेंगे, उसके बाद ही हम बंका से मशीन को डिस्पैच करते हैं। ये 3-pin गाइड आपने देखा, बहुत हैवी होता है। और अब आप देख रहे हैं इसके कंट्रोल्स, जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स हैं, उसके बारे में आप देख रहे हैं। ये इंचिंग सिस्टम है, जो आपने अभी यहाँ येलो और ब्लू कलर का जो बटन दिखा रहा है वो इंचिंग सिस्टम है। ये रिवर्स फॉरवर्ड का स्विच है, ये आप इस मशीन में मैक्सिमम यूज़ करेंगे। देखिए, इससे चक रिवर्स और फॉरवर्ड, इसका जो चक है, स्पिंडल है, वो रिवर्स फॉरवर्ड हो सकता है। लेकिन जब आपको जॉब को थ्रू करना है, शुरू में जब आपको डॉक चक के ऊपर जॉब को थ्रू करना होता है, उस वक्त ये इचिंग सिस्टम काम करता है। जैसे ये ब्लू कलर का बटन और रेड कलर का बटन, इसको ऑपरेटर बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, क्योंकि ये झटके से स्पिंडल को घुमाता है और फिर रोक देता है। ये इमरजेंसी स्टॉप है, आप जानते ही हैं कि इसका यूज़ कब करना है। कूलेंट कभी कभार आप इस मशीन पे यूज़ करेंगे, अगर आप यूज़ करेंगे तो ये कूलेंट के फंक्शन के लिए दिया गया। ये लैंप का जो स्विच है वो कब आप यूज़ करेंगे, जब बड़ा पाइप आप लगाएंगे और पाइप के अंदर जब आप बोर करेंगे, तब आपको लाइट अंदर फेंकना पड़ता है, तो वो उसका स्विच है। ये
मशीन बहुत लंबा होता है, तो यह दोनों सिरों से ऑपरेटिव होना ही चाहिए। तो आप एक सिरे से तो ऑपरेट कर पाते हैं, लेकिन जो दूसरा सिरा, दूसरा जो उसका कंट्रोल है वो एप्रन पे लगा हुआ है। तो जब आप दूसरे सिरे पे होते हैं टेलस्टॉक की साइड में, तो यहाँ से ऑपरेटर मशीन को रिवर्स फॉरवर्ड या स्टॉप कर सकता है। इस मशीन में एक और चीज़ भी है और वो है रैपिड मूवमेंट। आपका जो एप्रन, यानी जो जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वो एक्स एक्सिस ये सिरे से दूसरे सिरे तक, जैसे कि 5 मीटर का जॉब है, तो 5 मीटर का जॉब तक एक्स एक्सिस आप रैपिडली मूव कर पाएंगे, कट लगाने के लिए नहीं जब ऑपरेटर, लेकिन जब ऑपरेटर को यहां से वहां तक ले जाना है उस वक्त। ये है लीड स्क्रू के सपोर्ट, दिखने में बहुत शानदार है। ये लीड स्क्रू सपोर्ट देखिए, बहुत आसानी से ऑपरेटर एक सिरे से दूसरे सिरे तक मूव कर पाएगा, और जिससे आपका लीड स्क्रू लॉन्ग टर्म तक बेंड नहीं होगा और परफॉर्म करेगा, और आपकी मोटर के ऊपर लोड भी नहीं आएगा। ये है रैपिड मूवमेंट जो मैंने आगे आपको बताया था, ये है रैपिड मूवमेंट। देखिए ये बहुत हैवी होता है, इसका कैरेज ऑपरेटर के बस का नहीं है कि वो हाथ से उसको चला के आगे पीछे करे। तो अगर वो करता है तो शाम तक जब उसका शिफ्ट ख़त्म होता है तो वो थक जाता है। तो इस वजह से यहाँ रैपिड मूवमेंट मोटर से दिया गया है। कई राजकोट और दूसरे मैन्युफैक्चरर ऐसा मशीन बड़ा आपको देते हैं और कस्टमर वो देखता नहीं है कि उसमें रैपिड मूवमेंट है या नहीं है। जब वह बिना रैपिड मूवमेंट का मशीन अपने फ्लोर पे लाते हैं तो उस मशीन पे कोई भी ऑपरेटर टिकता नहीं है, ना तो उसके ऊपर काम करता है, क्योंकि वो हाथ से चला के थक जाता है। अब आप देख रहे हैं क्लच, थ्रेडिंग करने के लिए क्लच को समझना जरूरी है। ये जब लीवर बीच में होता है उसी वक्त क्लच को उठाना चाहिए। ये डायल इंडिकेटर का लेबल है, और डायल इंडिकेटर को कैसे यूज करना वो आपको सीखना चाहिए। जैसे ही इस क्लच उठाया तो ये देखिए थ्रेडिंग करने लगा ये मशीन। अभी जो भी थ्रेड हो रहा है उसमें 10 तरह के ऑप्शन है, और 10 तरह के ऑप्शन आपको फीड गियर बॉक्स से मिल जाते हैं। ये एक्स एक्सिस का ऑटो ट्रैवल, अब आपको थ्रेडिंग हो गया, अब आप एक्स एक्सिस को मेटल रिमूवल के लिए ऑटो में चलाएंगे। ये नीचे जिस जहां स्लाइडिंग का लेबल लगाया गया उसको एक्चुअल में एक्स एक्सिस का मूवमेंट कहते हैं। देखिए अब ये स्टार से ये ऑटो में इसका मूवमेंट शुरू करेगा ऑपरेटर। ये अभी एक्स एक्सिस चल पड़ा, ये एक्स एक्सिस रिवर्स या फॉरवर्ड करने के लिए हेडस्टॉक के अंदर एक लीवर होता है, जिससे लीड स्क्रू को हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमा पाते हैं, और ये करने से हम एक्स एक्सिस को आगे या पीछे किस साइड पे चलाना वो तय करते हैं। देखिए अब ये स्टार जब भी मूव करता है, अब इसका जेड एक्सिस है वो चल पड़ेगा। अब जेड एक्सिस को कैसे चलाना बहुत आसान है, आपको जेड एक्सिस का जो लीवर है उसको एंगेज करना है, ये एंगेज कर दिया और अब बस स्टार से घुमाया, ये हो गया जेड एक्सिस का मूवमेंट। अब आप इस मशीन पे अभी फेसिंग कर सकते हैं, तो बड़ा जो फ्लाईव्हील ऐसा लगा के फेसिंग जब करना है तब ये काम करता है। मैं आपको सभी कंट्रोल्स समझा रहा हूं मशीन का, जो लोग ऑलरेडी इसको जानते हैं उसको शायद ये बोरिंग भी लगे। इसका टेल स्टॉक बहुत हैवी होता है, तो इसको घुमाने के लिए ये हैंडल, ये जो व्हील है वो होना जरूरी है। इस मशीन का व्हील हम आगे चल के बहुत
ये अभी छोटा है लेकिन थोड़ा बड़ा भी करेंगे क्योंकि इसका मूवमेंट फ्री हो जाए। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। बंका का फीचर्स है कि हमारा जो टेल स्टॉक है वो लाइव सेंटर भी है। ये बोल्ट लगाने से ये लॉक हो जाता है और तब आप ड्रिलिंग का ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन ड्रिलिंग का ऑपरेशन बहुत कम यूज होगा क्योंकि ये हैवी ड्यूटी मशीन है। बड़ा मशीन में ज़्यादातर कोई टेल स्टॉक से ड्रिलिंग नहीं होना होता है। तो हमने आपको इसका जो टेल स्टॉक का स्पिंडल है वो घूमने वाला लाइव सेंटर दिया है। ये शायद बंका के अलावा बहुत कम मैन्युफैक्चरर अपना टेल स्टॉक लाइव देते हैं। ये हमारा स्पेशल फीचर्स है। देखिए, जब आपको ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है तभी ये बोल्ट लगाए, अदरवाइज ये बोल्ट को आप खोले रखिए। देखिए, ये अभी स्पिंडल घूम रहा है। ये कोई भी टेल स्टॉक ऐसा नहीं आता है कि, और ये कह रहा है वीडियो कि आप कभी भी इसके ऊपर ये रिवॉल्विंग सेंटर ना लगाएं क्योंकि इससे स्पिंडल की कैपेसिटी कम हो जाती है। बहुत हैवी और रिजिड है इसका टेल स्टॉक का स्पिंडल। इसके ऊपर आप 5 टन का जॉब लगा के आराम से टर्न करेंगे, मूव करेंगे। हैवी कटिंग जब आप करेंगे तभी आप इसका बेनिफिट देख पाएंगे। ये अब शुरू हो गया है हमारा हेड स्टॉक का कंट्रोल। ये दो ही लीवर से पूरा स्पीड मिलता है। इसमें 8 तरह की स्पीडें हैं और सिर्फ दो ही लीवर से मिलता है, तो बहुत आसान है इसका स्पीड मैनेज करना। सबसे हाईएस्ट जो स्पीड है वो 425 है, लेकिन जो सबसे लोवेस्ट स्पीड है वो 25 है। 25 लोवेस्ट स्पीड को ही आपको फोकस करना चाहिए क्योंकि किसी भी बड़े मशीन को परचेज करते वक्त हाई आरपीएम को नहीं देखा जाता है, क्योंकि बड़ा मशीन बड़े जॉब के लिए बनाया गया होता है और आप हैवी से हैवी कट तभी लगा पाएंगे जब मशीन का लोवेस्ट आरपीएम कम होगा। हमने इस मशीन में 25 आरपीएम दिया है जबकि हमारे राइवल्स दूसरे लोग इस स्टेज की मशीन में 40 मिनिमम आरपीएम देते हैं। तो 40 के मुकाबले 25 आरपीएम है वो कम होते हैं और ये बंका का एक अच्छा फीचर है। हाईएस्ट आरपीएम अब ये मशीन चल रहा है तो ये 425 आरपीएम पर चल रहा है। शायद ही आप इस मशीन पे कभी 425 आरपीएम पे कोई जॉब घुमाएंगे और टर्न करेंगे, अदरवाइज इस मशीन पे आप लो आरपीएम में ही चलाएंगे और कट लगाएंगे। देखिए, ये अब आपको ऑपरेटर दिखा रहा है वो है लीड स्क्रू का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। लेकिन यहाँ हमने हेडस्टॉक के ऊपर लीवर लगाया है, उसको हमने कहा है रिवर्स और फॉरवर्ड, लेकिन वो रिवर्स फॉरवर्ड लीड स्क्रू की बात है। देखिए, अभी ये लीड स्क्रू जो आपको दिखा रहा है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, आप देख पाएंगे। हालांकि ये वीडियो HD में है तो आप बहुत अच्छी तरह लीड स्क्रू को देख पाएंगे। अब ऑपरेटर इस लीड स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। इसका लीवर क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज करते वक्त आपको कंट्रोल पैनल से इचिंग बटन को दबाना है। देखिए, ये हो गया, अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और इससे आपका थ्रेडिंग आप मैनेज कर पाएंगे, आपका फीड मैनेज कर पाएंगे। आपको जेड एक्सिस को आगे ले जाना है या पीछे ले जाना है वो रिवर्स फॉरवर्ड का लीवर ही तय करता है। अब आपको बंका का जो फीड गियर बॉक्स है वो आपको दिखाया जा रहा है। एक गियर ट्रेन का जो कॉम्बिनेशन है उसमें ABC और XYZ ऐसे दो लीवर से आप करीबन 9 तरह का थ्रेड और 9 तरह की फीड ले पाएंगे। देखिए, हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया है उसको हम 10X कहते हैं। 10X का मतलब क्या है कि हमारा गेयरबॉक्स में 10 गुना आप बड़ा थ्रेड या 10 गुना छोटा थ्रेड जब तक आप करेंगे या 10 गुना
फास्ट फीड या 10 गुनी लो फीड जब आप करेंगे तब तक आपको गियर बॉक्स से ही सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। ये हमने दिखाया सी वाई में जब ये लीवर डालता है तो सबसे बड़ा हाईएस्ट थ्रेड होता है और जब बी जेड में लीवर को डालते हैं तो सबसे लो, तो ये 10 गुना कम हो जाता है। देखिए सी वाई में 8 है तो नीचे बी जेड में 0.8 है, तो ये इस गियर बॉक्स का अच्छा फीचर है। ये आपको बिग स्टोन का हेड का और गियर बॉक्स का ओवरव्यू है। नीचे जो स्टिकर लगाया गया है वो कहता है कि सेटिस्फैक्शन का, बंका के लिए कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ा बात है। ये 40 mm का इस मशीन पे कट लग रहा है इस वक्त और ये मशीन इजीली इस कट को कैरी कर रहा है। हालांकि हमने बड़ा जॉब इस मशीन पे नहीं लगाया है लेकिन हमारा ऑपरेटर इसी वीडियो की तरह आपका फ्लोर पे इंस्टॉलेशन के लिए भी आता है और इंस्टॉलेशन के बाद ऐसी ही बड़ी कट आपके बड़े जॉब के ऊपर भी लगाएगा। ये देखिए आप थोड़ा सीख पाएंगे कि मशीन को जब आपके फ्लोर पे अनलोड करना है तो कैसे हुकअप करना है। ये स्लिंगिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सीखना है जैसा, क्योंकि लीड स्क्रू, आपका जो लीड स्क्रू है वो बेंड ना हो जाए उस तरह से इसको उठाना है। और बैलेंस के लिए हाथ से, ये देखिए 20 फुट का मशीन आसानी से एक हाइड्रो इस क्रेन से इस लोरी पे लगा रहा है। देखिए हाइड्रो को चलना नहीं है, हाइड्रो को आप जब मशीन उतारे वहीं का वहीं खड़ा रहना है। मशीन को उठाने के बाद आपको ट्रक को मूव करना चाहिए, ट्रक चलना चाहिए मशीन उठा लेने के बाद। आपका जो क्रेन है उसको चलना नहीं चाहिए। मेरा एक और सुझाव है कि क्रेन का ऑपरेटर जब मशीन को नीचे रखे तो आप देखिए वो धीरे से जमीन को टच करना चाहिए। अगर वो जोर ऊपर से रख देता है तो आपका अलाइनमेंट डैमेज हो जाएगा। मेरा ऑपरेटर जब आपको मशीन वहाँ शुरू करने आएगा तो उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये देखिए बंका बिग स्टोन डिस्पैच के लिए रेडी है और इस तरह से आप बंका के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि वो 77 40 सालों से यही काम कर रहा है। थैंक यू।